जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि इसी समय में माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है। क्या पता आपकी कही हुई बात सच हो जाए। और माँ सरस्वती कब जुबान पर बैठती है उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। इस चीज़ में हमने बहुत प्रैक्टिकल किया है तब जाकर आपको बात बता रहे हैं जो सच में काम करता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस वीडियो में आए हैं। मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप ये करने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा मैं जो कह रहा हूँ कि ठीक ठीक बोलो, गलत मत बोलो, क्या पता कब इसके मुँह से कही हुई बात सच हो जाए। और आपने ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति की तो जी भी काली है, ये जो बोलता है सच हो जाता है। मतलब अगर किसी को बद्दुआ दे दे तो सच हो जाता है। आपने बहुत बार लोगों के लिए सुना होगा, राइट? और ऐसा पॉजिटिव भी सुना होगा बहुत बार कुछ लोगों के लिए कि इनके मुंह से कई भी बात हमेशा सच होती है। तो पॉजिटिव वाले लोग भी हैं, नेगेटिव वाले लोग भी हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या पॉइंट है, कब माँ सरस्वती हमारे जुबान पर आती है इस बात को समझ लेते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, वास्तविकता में सच्चाई है। इस बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं तभी आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है जिसका रिजल्ट 98% से 99% मिला है। 2 टाइम इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी हैं, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे माँ सरस्वती भी जुबान पर बैठती है। तो आप सभी जानते हैं माँ सरस्वती बुद्धि, विवेक और ज्ञान की देवी है। वो शब्द की माधुरी और ज्ञानवती है। वीणावादिनी माँ सरस्वती ने ही सबसे पहले संसार में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार की नदी, नाले, पशु पक्षियों को आवाज़ मिली। मतलब सभी स्वर माता सरस्वती के बाद ही निकले, सारे गामा पा धा निसा, और उसके बाद सारे संसार की रचना हुई, बाकी शब्द निकले, तभी से सारा संसार 7 सुरों में डिवाइडेड है। तो इस तरह से बाकी जितने भी चीज़ें हैं, 24 घंटे में एक ऐसा समय जरूर आता है जब आप और हम जैसे जो सामान्य लोग हैं हमारी जुबान पर माँ सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इसके विषय में ये कहा जाता है मनुष्य उस समय जो भी शब्द बोलता है वो सच हो जाते हैं। पहली बात तो क्या ये सत्य है, तो इसका आंसर है यस, इट इज ट्रू। दूसरी बात, वो टाइम कौन सा है, वो टाइम कौन सा है जब माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है। तो जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो नॉर्मली 2 बार वो समय आता है। एक समय है 3:10 से 3:15 तक। 3:10 से 3:15 का जो समय है, 5 मिनट का जो समय है, इसी टाइम पर माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती है। ब्रह्म मुहूर्त हम नॉर्मली 3 बजे से शुरू कर देते हैं। अब लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में तो या तो लोग सोए रहते हैं, हम जाकर क्या करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइम पर उठकर आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा तो क्या आप जागेंगे नहीं। तो बात को ध्यान से समझना कि अगर अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो जाग जाइए, कौन सी बड़ी चीज़ है। और दूसरा टाइम है 3:20 से 3:40 का, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। दोनों टाइम में एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिला है। अब आपको बताता हूँ शुरू कैसे करना है। आपके पास जब सिर्फ 5 मिनट अवेलेबल हैं तो पहले हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना। शुरुआत जब भी करना, मांगने से पहले उसका धन्यवाद जरूर करना। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे परमात्मा, हे भगवान, हे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, आपने जो कुछ भी मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी है, इतना सारा आनंद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बात शुक्रिया से शुरू होती है तो परमात्मा का भी हृदय आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर का धन्यवाद बहुत कम लोग करते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि कोई उसका धन्यवाद कर रहा है तो ईश्वर उसके समीप आने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी बात शुरू करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये समस्या है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये समस्या है, इसका समाधान मैं चाह रहा हूँ। अब मैं अपने आप से कह रहा हूँ मेरी बात सच होने वाली है, मेरी जुबान पर माता सरस्वती बैठी हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ अपने आप से कि मेरी 1 महीने के बाद सैलरी इतनी हो गई है। जैसे मेरी सैलरी अभी 20,000 है तो मैं कह रहा हूँ कि अब 1 महीने बाद ये बढ़कर 30,000 हो गई है। अपने आप को आशीर्वाद देना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, हवा में बात नहीं करनी है कि
कि 1 महीने बाद 1 लाख हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको लगता है पॉसिबिलिटी है, आप चाहे तो 1 महीने की जगह 2 महीने 3 महीने बोल सकते हैं, जिसकी गुंजाइश ज़्यादा है। याद रखना, इतनी हो जाए ऐसा नहीं बोलना है, हो गई है ऐसा बोलना है। उसके लिए परमात्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोलना है। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसी प्रकार से जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलकर, डेट बोलकर कि इस तारीख तक मेरा यह काम, मेरी इच्छा पूरी हो गई है और उससे मुझे बहुत खुशी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीज़ है, अलग नहीं है, बस एक टाइमिंग की बात है। टाइमिंग, इस बात पर अगर बात कह दी जाए तो सच हो जाती है। खुद प्रैक्टिकल करके देखना, तभी आप विश्वास करोगे। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप परमात्मा से बहुत कनेक्टेड हो। और एक चीज़ और चेक कर लेना, उस समय आपकी दोनों नोस्टल चल रही हों, क्योंकि जब दोनों नोस्टल साथ में चलती है तो हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हम अपने अवचेतन से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरा जो टाइम बताया है उसमें भी आप ट्राई करना, ये वर्क करता है। कभी कभी हो सकता है 1 दिन में आपका काम ना हो, तो 3 दिन तो जरूर लगा लेना, क्योंकि कभी कभी हमारा मन अपनी बात पर ही पक्का नहीं होता। बात करना प्रैक्टिकल, इस बात को याद रखना, हवाई बात मत करना, 1 दिन में करोड़पति हो जाऊँ, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करोगे तो वो सच नहीं होने वाली। बात ऐसी करना जो परमात्मा को देते हुए भी खुशी हो, और उससे पहले धन्यवाद देना और बात को क्लियर करना, इस देर तक मेरे पास ये चीज़ आ गई है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, ऐसा बोलना। आपकी जुबान पर सरस्वती माँ बैठी है, बात सच हो जाएगी। एक बार करके देखना, फिर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। परमात्मा आपकी हर इच्छा पूरी करे, यही मेरी इच्छा है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौलीमान।